गया है जो इसमें मिट्टी भरी जा रही है। अब इसको तोड़ा जाएगा, इस फाउंडेशन को इस तरीके से तोड़ा जाता है। देखो इससे तोड़ के फिर फाउंडेशन बनाया जाएगा, जैसे उस साइड में फाउंडेशन बनाया गया उसी तरीके से इधर भी फाउंडेशन बनाया जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए। देखो तस्वीरें, तो चलते हैं आगे दिखाते हुए और बताते हुए आप सभी को। तो अभी टाइम लगेगा, देखो इधर भी ये मशीन लगी हुई है, तो आगे ये खजूरी पुश्ता आ जाएगा। ठीक है, देखो इसे डबल दिखाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर डबल लाइन बनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा। तो इस वजह से देखो इधर भी ये पिलर बना दिए हैं इन्होंने, और इधर देखो ये मशीन लगी हुई है, तो ये अब पाइलिंग का काम कर रही है। इसको काटे जा रहे हैं, फिर इसको फाउंडेशन बनाया जाएगा। और फाउंडेशन बना के देखो तस्वीर है, कुछ ये नज़ारा है, तो अंदर को ऐसा निकल जाएगा वो खजूरी आगे पुश्ता है, खजूरी पुश्ता। तो ये देखो ये जेसीबी तोड़ रहा है ना फटा फटा के, देखो किस तरीके से तोड़ता है। ये पाइल हुआ है और यही नज़ारे हैं, और आगे अभी और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का देखो किस तरीके से, ये देखो ये टीम लगी हुई है इसे तोड़ने के लिए, और ये टूटने के बाद फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा, जैसे कि उधर फाउंडेशन बनाया गया है, जैसे इस पर इधर जैसे इस साइड में फाउंडेशन बनाया गया है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। देखो ये भी फाउंडेशन बना दिया जो चुका है, इसका ये मेल अलाइनमेंट है, ये मेन अलाइनमेंट है, देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ रेती रहता है क्योंकि बगल में यमुना रिवर है, इस वजह से देखो फाउंडेशन बना के फिर इस पर अब इस पर रिंग बना रिंग डाले जाएंगे। रिंग डालने के बाद में इस पर कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा, फिर इस पर पिलर कैप का काम किया जाएगा, इस पर कैप भी बनाए जाएंगे अभी। तो यही नज़ारा है यहाँ का, और इधर भी आप लोग देख लो, इधर भी ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है। देखो मतलब कि पाइल तो कर दिया जा चुका है सारे में, ये देखो इधर इस साइड में देखो ये भी तोड़ने का काम चल रहा है अभी, ये देख सकते हो ये तोड़ा जाए टूट गया। अब यहाँ से ये काट दिया जाएगा, काटने के बाद में फिर फाउंडेशन बिठाया जाएगा उसी तरीके से जैसे उस साइड में इसका फाउंडेशन बिठाया गया था, उसी तरीके से फाउंडेशन उधर भी बना दिया जाएगा। क्या हुआ? हाँ देखो ये गार्ड साहब हैं यहाँ जो देखभाल करते हैं। देखो इस तरीके से ये फाउंडेशन बना के फिर इस तरीके से ये पिलर बना दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर फाउंडेशन बनाया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चल रहा है यहाँ पर खजूरी पुश्ता। तो खजूरी आ गया आ चुका है, तो यहाँ पर देखो ये कंपनी वर्क कर रही है तेज़ी के साथ में। देखो उधर भी फाउंडेशन बनाया, इधर भी फाउंडेशन का ये काम किया जाना है। ये देख सकते हो ये टीम लगी हुई है इसको तोड़ने के लिए, और ये तोड़ेगा फिर उस तरीके से वो सरिये निकाले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेत है तो इस वजह से इतने सारे पिलर दिए गए हैं मजबूती के लिए। और देखो इस तरीके से ये ज़मीन के अंदर गाड़ा जाएगा, ये ज़मीन के अंदर डाला जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर। तो यही है, और इधर तो फाउंडेशन बना दिया इन्होंने, देखो इधर ये फाउंडेशन बन चुका है, ये क्लियर हो गया। और अब इसमें रिंग लगाए जाने, और रिंग लग जाने के बाद में इसमें कॉन्क्रीट की मदद से भर दिया जाएगा, ये पिलर बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा। तो यही नज़ारे हैं यहाँ के खजूरी पुश्ता के गए। देखो जिधर आप नज़र उठा के देखोगे उधर ही वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में गई। देखो ये टीम लगी हुई है यहाँ पर वर्क करते हुए, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है। देखो टीम द्वारा यहाँ वर्क किया जा रहा है तेज़ी के साथ में गई, और इसको चौड़ा भी किया जा रहा है, तो चौड़ा करने का भी काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। ये देखो वो चौड़ा किया जा रहा है, इधर ये चौड़ा किया जा रहा है। देखो ये चौड़ा किया जा रहा है, और वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा
ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो यही नज़ारे हैं यहाँ के गाइस खजूरी पिस्ता के। देखो अब आगे भी फाउंडेशन बना दिया जाएगा, तो इसी तरीके से ये वर्क चल रहा है यहाँ पे कंटिन्यू। इधर भी फाउंडेशन बना दिया इन्होंने देखो, और उधर ये चौड़ा किया जा रहा है। तो यही नज़ारे हैं, तो चलते हैं आगे फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। गाइस देख सकते हो ये जो पाइलिंग मशीन के नीचे जो ज़मीन के अंदर जो पिलर जाते हैं वो ये वाले हैं, ये बीम डाले जाते हैं अंदर नीचे ज़मीन में। तो यही है नज़ारा यहाँ का। यहाँ पे इंटरचेंज बनाया जाना है, इस वजह से ये दोनों साइड में आप लोगों को पिलर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अब इसमें बीम डाले जाएंगे, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा। तो दोनों साइडों में देख सकते हो पिलर बनाए गए हैं। और इसका आपको बता दूं कि इसका रोड का एक्सपेंशन का भी काम चल रहा है। और ये जगह है खजूरी, तो खजूरी ये आ गया। और आपको बता दूं लेफ्ट पे सिग्नेचर ब्रिज है और राइट में गाज़ियाबाद है। तो देख सकते हो सारे पिलर का फाउंडेशन बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें कंक्रीट भरना है तो पिलर ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आ जाता है खजूरी का फ्लाईओवर, देख सकते हो तस्वीरें। और यहाँ पर कितना कुछ बहुत ज़्यादा जाम जूम रहता है, बहुत ज़्यादा आपको क्या ही बताएं। तो देख सकते हो, तो आपको बता दूँ ये जाम वाला एरिया है, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको इंटरचेंज दिया जा रहा है, ताकि आपको बता दूँ कि इधर अम्बाला के लिए और इधर निकल जाएं। तो देख सकते हो तस्वीर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो दोस्तों। तो देख सकते हो ये पिंक लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये पिंक लाइन के पिलर हैं, जो पिंक लाइन मेट्रो बनाई जा रही है उसके पिलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो ये खजूरी पिस्ते का पहले चौराहा था, अब तो गोल पहले चौराहा था, फिर इसके बाद में ये फ्लाईओवर बनाया गया है, यमुना रिवर से जोड़ दिया गया है। तो देख सकते हो आप लोग तस्वीर। और हम यहाँ से निकलते हुए आगे को जाएंगे, इस पर सीधे चलेंगे पाबी पुस्ता पे। अब पाबी पुस्ता पे भी आप लोगों को बहुत सारा काम देखने के लिए मिलेगा, वो आप लोगों को सभी को अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें दोस्तों। तो देख सकते हो ये यहाँ से पाबी पुस्ता स्टार्ट हो जाता है, जो कि आगे तिराया पड़ेगा लास्ट में जाके, वहाँ से अगर राइट में जाते हैं तो निकल जाएंगे लोनी और सादरा के लिए, और अगर लेफ़्ट में जाते हैं तो बागपत बड़ौत के लिए निकल जाएंगे। और इस रास्ते पर हम चल ही रहे हैं, अगर इस पर आएंगे तो यहाँ पर आकर निकलेंगे इसी खजूरी पे। तो आप बताओ, देख सकते हो तस्वीरें कि यहाँ पर जाम कितना है ये खजूरी पिस्ता पे, क्यों आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसी वजह से ही यहाँ पर आप लोगों को जाम देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हो कितना स्लो डाउन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है, तो इसमें कम से कम अभी टाइम लगेगा हमें। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हो ये पायल मशीन लगी हुई है, पायल कर रही है, और इसके अंदर जो ज़मीन में जो रिंग जाएंगे वो ये रखे हुए हैं। तो देख सकते हो ये मशीनें पायल कर रही हैं और यहाँ पर जाम बहुत है। तो चलिए आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी।